अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मेरे चैनल पर वेलकम है। मैं आज आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है ट्रू इंटेंशंस योर पार्टनर। कीप इन माइंड ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना करे। अगर आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है तो अच्छी बात है, वरना आपने उसको पूरी तरह से इग्नोर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इसमें हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? वो इस वक्त उनके बारे में क्या इरादे रखते हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? तो ओवरऑल एनर्जी जो निकल के आई है वो निकल के आई है दी हायरोफेंट की। तो आपके पर्सन जो हैं उन्हें लगता है कि आपका और उनका मजहब कल्चर कुछ तो डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, लेकिन ये इंसान जो है आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके अपने रिलेशनशिप को इस दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कल्चर डिफरेंट हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, लेकिन ये इंसान जो है आपको कमिटमेंट देने का सोच रहा है। ये इंसान जो है आपके और अपने इस रिलेशनशिप को दुनिया के सामने एक्सेप्ट करना चाहता है। या एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की आप उनके घर वालों ने कहीं और शादी कर ली है, ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है और उस चीज़ को लेके एग्री नहीं है। अब और कार्ड्स देखते हैं कि क्या निकल के आए हैं और कार्ड्स आपके लिए। नाइट ऑफ वांड्स, टू ऑफ पेंटिकल, द फूल, एट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्स और हमें मिला है हरमिट। तो आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या है गाइज? आपके पार्टनर का साइन जो है यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है एरिस, व्यू सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन एरिस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और यहाँ पे वर्गो आया है आपके पार्टनर और एरिस, व्यू सेजिटेरियस। यहाँ पे जो है वाटर साइन मिस है, यानी कि आपके पर्सन ये इंसान जो है आपकी लाइफ से इन और आउट रहा है। ये इंसान का और आपका रिलेशनशिप इस इंसान की तरफ से जो स्टार्ट हुआ होगा वो एक एज अ फिजिकल रिलेशनशिप आप उससे स्टार्ट हुआ होगा। ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा आपको लेकर, ये इंसान बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी का होगा। इस इंसान ने आपको शायद साफ कह दिया था कि मैं और अभी तुम सिर्फ इस रिलेशनशिप को गो विद फ्लो लेके चलते हैं, आगे जाके देखेंगे चीज़ें किस तरह से रहेंगी, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लगा कि ये इंसान ने अपने साथ आपको बांध लिया है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, चीज़ें स्टक हो गई, चीज़ें इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन सब ख़त्म कर दी धीरे धीरे करके। ये इंसान उस वक्त किसी दो सिचुएशन में जगल कर रहा था। अब वो दो सिचुएशन कोई भी हो सकती है, जैसे कि मैं पहले कह चुकी कि इनकी फैमिली ने इनकी शादी कहीं और डेट फिक्स कर दी थी या ये बंदा ऑलरेडी मैरिड था, ठीक है, या उनका कैरियर हो सकता है या उनकी जॉब हो सकती है। ये इंसान किसी भी रिलेशनशिप में उस वक्त बंदा नहीं चाहते थे, ये इंसान एक आज़ाद, अपने आप को आज़ाद रखना चाहते थे और आज़ाद ही रहना चाहते थे। किसी भी सीरियस कमिटमेंट के लिए उस वक्त ये इंसान एग्री नहीं कर रहा था, ये जो भी इंसान था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा लगा कि इन्होंने अपने साथ आपको बांध लिया है, ना ये इंसान आपको क्लैरिटी दे रहा है, ना ये इंसान आपको बता रहा है कि ये इंसान आपके बारे में फील क्या कर रहा है। कुछ हिडन थिंग्स थी, कुछ हिडन ट्रूथ थे जो इस इंसान ने आपको नहीं बताया और आप हमेशा इसी सोच में रही कि नहीं, ये इंसान शायद मेरे लिए बेहतर नहीं है। आपने इस इंसान से मूव ऑन करना बेहतर समझा लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाए। हाँ, आपने बातचीत इस इंसान से बंद कर दी, हाँ आपने इस इंसान का इंतज़ार किया, आपने इसको शो नहीं किया कि आप क्या फील कर रहे हैं इसके लिए। अगर यहाँ तक आपसे रेजोनेट हो रही है तो आगे भी कंटिन्यू करिएगा स्टडी को।
तो ये इंसान जो है बहुत ज्यादा उस वक्त इम्यूचुअल एनर्जी में था। ये इंसान चाहता था कि आपके साथ एक पैशनेट रिलेशनशिप रखे। कमिटमेंट उस वक्त ये इंसान देने के लिए रेडी नहीं था। कुछ सच्चाइयाँ थी, कुछ हिडन चीज़ें थी जो इंसान आपको बताना चाहता था। देखिए यहाँ पे भी टू ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे टू ऑफ वांड्स है। इसके पास दो रास्ते थे, इसको कोई एक सिलेक्ट करना था। इसे एक को ड्रॉप करना था और एक को सिलेक्ट करना था। तो इस इंसान ने दोनों ही सिचुएशन से अपने आप को फरार कर लिया। इसने यहाँ से चले ही गई छोड़ के। आप यहाँ पे इस इंसान के इंतज़ार करती रहीं या करते रहे कि ये इंसान कमिटमेंट देगा, आपके पास वापस आएगा, आपको चीज़ों को आगे लेके जाएगा। एक सॉलिड कमिटमेंट आप इस इंसान की तरफ से चाहते थे। अब इस इंसान के इंटेंशंस क्या है? ऑलरेडी वही सिचुएशन, ये इंसान आपकी लाइफ में रश करता हुआ आना चाहता है। लेकिन गाइस देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसे इंसान को बताता है कि जो सिर्फ वन नाइट स्टैंड पसंद करता है, जो कुछ देर के लिए आपके पास आता है, जो हुकअप पसंद करता है, पार्टीज पसंद करता है, कुछ देर के लिए आना चाहता है, लेकिन रश करता हुआ आना चाहता है। ठीक है, एक एनर्जी तो इनकी ये है। और ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, फॉर श्योर क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहता है। कहते हैं ना, माई वे या स्काई वे वाली एनर्जी इस इंसान की, कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। मेरा उससे पता है कि आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं। ये इंसान जानता है कि आपके दिल में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस इंसान के लिए। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये इंसान सिर्फ आएगा। देखिए, एक इंसान आएगा, चीज़ें धीरे धीरे लेके बढ़ना चाहता है। इस इंसान की सिचुएशन क्या होती होगी? ये इंसान आपको मैसेज या कॉल या टेक्स्ट टाइप करता होगा और जो है डिलीट कर देता होगा। मैसेज करूं या ना करूं, मैसेज करूं या ना करूं वाली सिचुएशन इस इंसान की है। ये इंसान इस सिस्टम में एक लीप ऑफ फेथ भी लेना चाहता है। इसकी ट्रू इंटेंशंस में एक इंटेंशंस ये भी है कि ये इंसान आपके साथ इस सिस्टम में वर्क करना चाहता है, चीज़ों को आगे लेके जाना चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है। ठीक है, ये इंसान ऐसा करेगा भी, क्योंकि ये इंसान भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पुल और अट्रैक्शन फील कर रहा है। इसीलिए इंसान आपको प्रायोरिटी देना चाह रहा है। इस इंसान ने, अगर आपको लगता है ये इंसान पार्टीज कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये इंसान आपको डे एंड नाइट याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, पुरानी बातों को जो है एनालाइज कर रहा है, पुरानी बातों को सोच के चीज़ों को ठीक करना चाहता है। इसके दिल में और जो है एक उम्मीद की किरण जागी है कि ये इंसान आपको अप्रोच करे, आपसे बात करें, आपसे कम्युनिकेट करें। लेकिन इसे लगता है कि आप जो है मूव ऑन कर चुकी हो पूरी तरह से, आप क्लैरिटी नहीं दे रहे। ये इंसान क्लैरिटी नहीं दे रहा और आप उसके साथ रहने के लिए एग्री नहीं कर रही हैं या कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये इंसान आपको और अपने रिश्ते को इस दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी है। ये इंसान कल्चर डिफरेंट हो, मज़हब डिफरेंट हो, जबान डिफरेंट, कुछ भी डिफरेंसेस, आप दोनों एज डिफरेंसेस भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, कुछ भी डिफरेंसेस हो, ये इंसान उसको अब मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ये इंसान अब डिसीजन मेकिंग मूड पर है और डिसीजन लेना भी चाहता है, क्लैरिटी देना भी चाहता है, कमिटमेंट भी देना चाहता है ये इंसान। और यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये सब कुछ साथ लेके आपके साथ चला जाता है। यानी कि ये इंसान जो है दुनिया को साथ लेके आपके साथ चलना चाहता है, दुनिया को बताना चाहता है कि आप और ये एक रिलेशनशिप में हैं। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इंसान काफ़ी ट्रिक्स्टर टाइप का इंसान है। इसे लगता है कि जब आप इसकी लाइफ से मुकम्मल तौर पर जा रहे हैं या जा रही हैं, तो ये इंसान जो है आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेता होगा और आपको जाने नहीं देता होगा। इस इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी है कि अगर लड़का है तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं इस इंसान की बातों से, इसकी पैशन से, इसकी चीज़ों से, इसकी लुक से। और अगर लड़की है तब भी यही हाल है, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक गुड़ के ऊपर इस तरह मक्खियाँ चिपक जाती हैं ना, कुछ इस तरह की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, ईगो बैटल चल रहे हैं, झगड़ा हुआ हुआ है आप दोनों के बीच में। लेकिन ये इंसान के दिल में आपके लिए प्यार जो है वो ओवरफ्लोइंग हो रहा है, ओवरफ्लोइंग लव भी है, लेकिन ईगो ज़्यादा इनको प्यारा है। ईगो की वजह से ये इंसान स्टेप करने से डर रहा है आपसे, ये ईगो की वजह से ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने से डर रहा है। ये इंसान चाहता है कि आपको अपना लव कन्फेस करे, आपको प्यार बताए अपना कि क्या फील कर रहे हैं। एक बेहतरीन फादर फिगर ये इंसान मुझे नज़र आ रहा है। ये चाहता है कि आपको वो सब कुछ दे जो आप डिज़ायर करती है। रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, आप पॉजिटिव रहें, ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा। आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना हो सकता है,
ये इंसान अपोलोजी लेके आएगा, एटलीस्ट कार्ड तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं निकल के। इस इंसान की ट्रू इंटेंशंस ये है कि ये इंसान आपको अपना सोलमेट मानता है और ये इंसान चाहता है कि आपके इसके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये स्टार कार्ड से बहुत ज़्यादा उम्मीद में है कि आपके और इसके बीच में एक दिन सारे मसले हल हो जाएंगे, आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी ईगो बैटल्स चल रहे हैं ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि प्यार से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये इंसान ईगो छोड़ के आपको अप्रोच करेगा क्योंकि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और इस इंसान के पास पैसों की मुझे कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, काफ़ी पैसा है इस इंसान के पास। ये चाहे तो हर वो चीज़ कर सकता है जो एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर में हो, लेकिन इस इंसान में थोड़े से ईगो है, ईगो ज़्यादा इस इंसान को है, लेकिन ये अपनी पास की गलतियों को सोच रहा है और सोच के ये ज़रूर एक्शन लेगा आपकी तरफ। अब देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये इस इंसान की तरफ से आपको बहुत जल्द मैसेज या कम्युनिकेशन मिलने वाली है इस इंसान की तरफ से आपको। किंग ऑफ वांड्स, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनका। देखिए, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो पहले सिस्टम में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, अब ये इंसान इस सिस्टम में इक्वल गिव एंड टेक चाहता है। देखिए, पहले कहीं और इसका ध्यान था, कहीं और इसका जो है एक तरफ ही ज़्यादा अटेंशन देता था अपनी, और आप यहाँ पे एक तरह से इसकी अटेंशन के लिए बैग मांगा करते थे, प्लीज़ मुझे मुझे अटेंशन दो, मुझसे बात करो, मुझसे कम्युनिकेट करो, मतलब बहुत ज़्यादा रोए हैं आप इस चीज़ के लिए कि इक्वल गिव एंड टेक करो। ठीक है, लेकिन इस इंसान का ध्यान कहीं और था, लेकिन अब ये इंसान इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहता है। देखें, यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे नज़र आई है, अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनका कैरियर हो सकता है, इनके फाइनेंसेस हो सकते हैं, या कोई और पर्सन भी हो सकता है, सबके साथ अलग सिचुएशन होगी। ये इंसान काफ़ी फ्लर्टी नेचर के रहा है। किंग ऑफ वांड्स, किंग ऑफ नाइट ऑफ वांड्स और किंग ऑफ वांड्स ये बताते हैं कि ये इंसान के बहुत ज़्यादा अफेयर्स रहे हैं, ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा सेल्फिश किस्म का इंसान था, लेकिन अब किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में ये इंसान आ रहा है। अब इसकी इसका ये हाल है कि ये इंसान आपके बारे में डे एंड नाइट सोच रहा है, सोच सोच के एंजाइटी में चला गया है। ये इंसान मुसलसल आपके ऊपर नज़र रख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, या आप कहीं और इंटरेस्टेड तो नहीं हो गए। अगर आपने रिसेंटली कुछ सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट किया है कि इस इंसान को लगा कि शायद आप इसे मूव ऑन हो गए हैं, आप इसे छोड़ के चले गए हैं, तो ये जनाब तो रात भर जाग रहे हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन आपसे कम्युनिकेट करना है। ये इंसान किसी भी कीमत पे गिव अप करना नहीं चाहता है, आपको टाइटली पकड़ के बैठा हुआ है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी सर्कमस्टेंसेस आ जाए, ये इंसान आपको छोड़ने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग है, बहुत ज़्यादा सोचना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करना है। जो उसके पास ऑप्शंस हैं, ये इंसान उस ऑप्शंस को भी ख़त्म करके आपके पास आने के लिए रेडी है। इसका नेक्स्ट एक्शन यही है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, और किसी किसी के इंसान खाली आपको देख बैठ के सोचेंगे, देखेंगे और एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन किंग ऑफ वांड्स निकल के आया है और सिक्स ऑफ वांड्स की ये इंसान आपकी तरफ ज़रूर एक्शन लेगा, इक्वल गिव एंड टेक करेगा। अब इससे और ज़्यादा मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप इससे दूर जा रहे हैं, इसे लगता है कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आपने अपने आप को ग्रो किया है, आपने अपना ऑरा जो है ना, आपका ऑरा ऐसा है कि ये इंसान खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होता चला जा रहा है। ठीक है, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन यही है, ये इंसान आपकी तरफ एक्शन कम्युनिकेट करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा और चीज़ों को गो विथ फ्लो लेके चलेगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं रीडिंग में, बाय।